हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं कोचिया के सीड्स कुछ ग्रो करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूं कि कैसे इसको ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये कुछ सीड्स हैं जो मैंने अपने घर से ही कलेक्ट किए हैं, अपने लास्ट ईयर के प्लांट से, और बहुत ही अच्छे। अपने घर में अगर एक प्लांट हम नर्सरी से ले आते हैं तो हर साल के लिए हमारे पास फिर सीड्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जो प्लांट मेरे पास नहीं होता उसको मैं एक प्लांट ही लेकर आती हूँ, एक या दो प्लांट, और उसके बाद उनमें से सीड कलेक्ट करके मैं अपने घर में ग्रो कर लेती हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर कम से कम तो बहुत सारे प्लांट्स लगाए थे, लगभग 30-40 प्लांट मेरे पास कोचिया के लगे हुए थे। और उससे पहले मैं जब नर्सरी से दो प्लांट सिर्फ लेकर आई थी, उन्हें से मैंने सीड कलेक्ट किए थे। तो मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ आज। और बहुत छोटे छोटे से बारीक बारीक से सीड्स होते हैं, तो इसमें कुछ पत्तियाँ भी मेरी मिक्स हैं, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और इसमें सीड्स ये एकदम छोटे छोटे से, ये देखिए बारीक बारीक से जो सीड्स हैं, ये सीड्स हैं इसके। तो मैंने सबसे पहले इसकी मिट्टी तैयार की है। इसमें नीचे क्योंकि बहुत इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है, ये गहरा है पूरा एकदम। गमला मेरा जो मैंने घर पर तैयार किए थे थर्माकोल बॉक्स से, ये वही गमले हैं सीमेंट से कवर करके। तो नीचे मैंने इसमें पूरा सैंड भर दिया है, लगभग यहाँ तक इसमें मैंने सैंड भर दी है, आधे से ज़्यादा, आधे सैंड भर दी है। और उसके बाद मैंने इसमें कंपोस्ट और सैंड को मिक्स करके भरा है बीच में, और फिर जो ऊपर की है इसमें कोकोपीट और कंपोस्ट का लेयर है ये। तो इस ऐसे यानी जो हम सोयल तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छे सीड के लिए होते हैं, क्योंकि सीड के लिए थोड़ी सॉफ्ट सोयल होती है तो काफ़ी अच्छे यानी ग्रो करते हैं ये। तो मैंने मिट्टी तो तैयार कर ली है पहले से ही, मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। और उसके बाद ये देखिए, तो बस इनको हमको सीड्स को लेना है अपने हाथ में, और मैंने इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड भी मिला लिया है जो इसकी मिट्टी है, और इनको ऐसे पूरे में स्प्रिंकल कर देना है। बहुत ज़्यादा सीड्स मत डालिए, मेरे भी कुछ ज़्यादा ही गिर रहे हैं, पर जैसे आपके सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं तो आप बीच बीच के प्लांट को हटा निकाल सकते हैं, ताकि उनकी जो प्लांट अच्छा हेल्दी हो, क्योंकि बहुत पास पास होते हैं तो फिर प्लांट ज़्यादा हेल्दी नहीं रहते हैं। और उसके बाद ये जो सोयल है, जो कंपोस्ट और उसका, इसी को मैं इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी पूरे में। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप सीड लगाइए, कटिंग लगाइए, अपने प्लांट्स की कटिंग करिए। और आप यानी जितने भी गार्डन से रिलेटेड हैं, काफ़ी सारे काम हैं जो आप इस टाइम पे अभी कर सकते हैं। तो जो समर के सीड्स हैं उनको ग्रो करने का भी बहुत अच्छा बेस्ट टाइम है अभी। फिर अगर ज़्यादा लेट हो जाते हैं, फिर गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लगी, तब भी जर्मिनेशन फिर अच्छे से स्टार्ट नहीं होती है प्लांट्स में। तो ये देखिए, इसको मैंने ऐसे कवर कर दिया। और आप शुरू में थोड़ा स्प्रेयर की हेल्प से पानी दीजिए अगर आपके पास स्प्रेयर है तो, नहीं तो आप थोड़ा हाथ लगाकर भी पानी दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे ऐसे कवर कर दिए इसको। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने लगभग 15 दिन तो नहीं हुआ होगा, 10 दिन हुआ है, 10-12 दिन। तो 10-12 दिन जो मैंने ग्रो किए थे सीड्स, उसकी देखिए ये। तो मुझे अपडेट भी देनी थी, इसलिए मैंने उस टाइम पे आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था। तो कितने अच्छे से इनकी जर्मिनेशन हुई है, और बहुत ही अच्छे ग्रो हुए हैं, और काफ़ी अच्छे हेल्दी भी हैं प्लांट। ये देखिए, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से हैं, ये 12 दिन के प्लांट हैं लगभग, और ऐसे ही इसमें भी ग्रो हुए हैं, ये देखिए। तो इनको मैंने थोड़ा दूर दूर ही लगाया था, बहुत ज़्यादा पास पास नहीं है देखिए। जो ज़्यादा पास रहेंगे उनको मैं बीच में निकाल भी दूंगी, क्योंकि तब की प्लांट अच्छा हेल्दी रहे। तो बहुत अच्छे से सीड ग्रो हो जाते हैं। और इधर मैंने कुछ जीनिया के सीड डाल दिए थे उसके भी फूलों को, तो ये भी देखिए ग्रो हो गए हैं, ये मेरे ऑरेंज कलर के जीनिया हैं। और ऐसे ही आप किसी के भी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, समर के यानी कोई भी सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट तैयार हो जाएंगे। और मैंने कुछ एडेनियम के भी सीड्स तैयार किए हैं, ग्रो किए हैं, ये देखिए इनके ऊपर का कवर निकल गया है, इनकी पत्तियाँ भी दिखने लगी हैं। देखिए ये भी लगभग ये सिर्फ एक हफ्ते का रिजल्ट है मेरे पास अभी इनका, और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं सारे जितने भी सीड्स मैंने डाले थे, पूरा 100% रिजल्ट आया है इसका भी मुझे। तो इस टाइम पे बहुत ही अच्छा है टाइम, बेस्ट टाइम है एडेनियम को भी ग्रो करने का। आप चाहें तो उसको भी ग्रो कर सकते हैं। आपको चाहिए ग्रीनरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेस्ट प्लांट होता है, और इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। अगर आपको प्लांट घना चाहिए तो जैसे लगभग 2 या 3 इंच का प्लांट हो जाता है, 3 इंच का, तब आप इसकी थोड़ी सी पिंचिंग कर दें, ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे तो ये बहुत अच्छा गोल गोल सा शेप हो जाता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
तो ये देखिए ये ऐसे होते हैं प्लांट्स। इसमें चार चार पत्तियां लगभग आ गई, किसी में चार किसी में पांच पत्तियां आ गई हैं और बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी हैं इतने ही। और इधर जो आधा भाग इसका मैंने बचा कर रखा है, इसमें मैं कुछ और सीड्स लगाऊंगी। तो कुछ मैंने देखिए ये चूड़िया, तो इधर ये मैं बालसम के कुछ सीड्स हैं, इनको इसमें जर्मिनेट करूंगी। तो ये देखिए ये कुछ बालसम के सीड्स हैं जिनको मैंने थोड़ा सा ओवरनाइट भिगा कर रखा था। तो ये देखिए अच्छे से फूल भी गए हैं पानी में, और इसमें कुछ सनफ्लावर के सीड्स भी हैं, तो मैं इनको इसी में ऐसे स्प्रिंकल कर दूंगी। और ये देखिए मैंने डाल दिए सारे सीड्स, और इसको मैं कोकोपीट से पूरा कवर कर दूंगी ऐसे। हल्के हाथ से थोड़ा स्प्रेस कर देंगे ताकि सीड जो है जमीन में मिट्टी में टच हो जाए। और उसके बाद आप इसको दो तीन दिन पेपर से कवर करके रख सकते हैं, तो अच्छी जर्मिनेशन स्टार्ट होती है। तीन चार दिन पेपर में रखिए, थोड़ा सा कवर कर दीजिए पेपर से, और फिर उसके बाद आप इसको खोल सकते हैं। और इसको हल्की धूप में ही रखिए, जहाँ पर थोड़ी सी धूप आती है सुबह की दो तीन घंटे की, तो अच्छे हेल्दी प्लांट फिर तैयार होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है, ऐसे हाथ से स्प्रिंकल करके पानी मैंने छिड़क दिया है इसमें, और मैं इसको थोड़ा सा पेपर से कवर कर दूंगी। तो आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा पेपर को दो तीन दिन तक ऐसे ढक के रखना है, और पानी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। पानी अब जब भी सूखे तो आप इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें ऐसे। इसको मैं किसी धागे की हेल्प से इसको ऐसे अच्छे से बांध दूंगी, अभी मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।